दोस्तों, दिल्ली सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए तैयार आम बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, वाहनों के इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ राजधानी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर देने की योजना है और इस योजना के तहत आने वाले कुछ ही सालों में देश की राजधानी दिल्ली में कई फ्लाईओवर और सड़कों का कायाकल्प होगा। ताजा जानकारी ये है कि अगले साल तक दिल्ली वालों को डबल डेकर फ्लाईओवर की बड़ी सौगात मिलने वाली है, यानी 2024 तक राजधानी दिल्ली में दो डबल डेकर फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएगा। फिलहाल दोनों पर काम तेजी से जारी है। इनमें से एक पर 45% और दूसरे पर 50% काम पूरा हो चुका है। दिल्ली सरकार और डीएमआरसी के संयुक्त सहयोग से राजधानी के दो जगहों पर डबल डेकर फ्लाईओवर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। पहला डबल डेकर फ्लाईओवर वजीराबाद रोड पर और दूसरा मेहरोली बदरपुर रोड स्थित अंबेडकर के टी पॉइंट पर तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस डबल डेकर फ्लाईओवर के सबसे ऊपर मेट्रो गुजरेगी और उसके ठीक नीचे बने फ्लाईओवर रोड पर वाहनों का आवागमन होगा। सबसे नीचे मेन रोड होगा। दिल्ली में पहली बार इस तरह का अनोखा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जहां से एक साथ मेट्रो और वाहनों का आवागमन हो सकेगा और ये फ्लाईओवर लोगों के सफर को आसान बनाने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट सुविधा को भी बेहतर बनाएगा। अगले साल 2024 तक इन दोनों डबल डेकर फ्लाईओवर के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और वर्तमान में डीएमआरसी और सरकार की संयुक्त टीमों की मदद से तेजी से कार्य को पूरा किया जा रहा है। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले लोगों की संख्या लाखों तक पहुंच जाती है और इसको लेकर डीएमआरसी द्वारा लगातार मेट्रो लाइनों के विस्तार वाले प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। दिल्ली के ये दोनों डबल डेकर फ्लाईओवर डीएमआरसी मेट्रो के फेज 4 में मजलिस पार्क से मौजपुर और एरो सिटी से तुगलकाबाद के बीच में बनाए जा रहे हैं। नए मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा भी होंगे। दोस्तों, दिल्ली में पहली बार ऐसे डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है जिसमें दिल्ली सरकार और डीएमआरसी एक साथ मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।